आपको जिंदगी में एक चीज को अपना साथी बना लेना है बस। सबको नशा होना चाहिए, नशा इज वेरी गुड। अगर आप एक जिंदगी में 10 जिंदगियां जीना चाहते हैं, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख तुम्हारी मेहनत से आ सकता है, लेकिन 1 करोड़। आपको जिंदगी में एक चीज को अपना साथी बना लेना है बस, वो क्या है? ग्रोथ, 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 ग्रोथ। इट शुड बिकम अ ड्रग फॉर यू, इट शुड बिकम नशा फॉर यू। देखो, सबको नशा होना चाहिए, नशा इज वेरी गुड। बिना नशे के जीने में कोई आनंद नहीं है। प्रॉब्लम इज नशा बनाते किस चीज को। आप चाहें तो इसको नशा बना लें, आप चाहें तो इसको नशा बना लें, यू नो, ये आपको हमेशा पीछे लेके जाएगा। लेकिन अगर अपनी ग्रोथ को और लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूशन करने को अगर आप अपना नशा बना लें, देन आप सोचिए और पूरा दिन आप इस खुमारी में रहें, मैं ज्यादा कैसे करूं, बड़ा कैसे करूं, बड़ा कैसे करूं, ज्यादा कैसे करूं, ज्यादा कैसे करूं, बड़ा कैसे करूं। आप मेरे ऑफिस आएंगे, 3 सवाल हैं, पिछले करीब 20 सालों से वो 3 सवाल मैंने चिपका के रखे हैं, जब मैं नौकरी करता था तब भी, आज भी। मेरे घर में मेरे ऑफिस जितना बड़ा एक लाइब्रेरी है, वहां जाता हूं वहां भी 3 सवाल हैं, और मैं 3 सवाल रोज पूछता हूं खुद से। हाउ कैन आई डू मोर, हाउ कैन आई डू बेटर, हाउ कैन आई डू फास्टर, मैं ज्यादा कैसे करूं, राइट, और शानदार और बेहतर कैसे करूं, और तीसरा मैं और जल्दी कैसे करूं। अगर आप एक जिंदगी में 10 जिंदगियां जीना चाहते हैं तो फिर आपको प्रोग्रेस की तरफ, इस उन्नति को अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। काफी समय पहले मुझे लोग बोलते थे कि काम करने से स्ट्रेस होता है। मैं आपको स्ट्रेस बताता हूं, अगर आप सेम काम को जिंदगी भर करते रहोगे या वो काम करोगे जो पसंद नहीं है तो वो स्ट्रेस है, और अगर जो आप काम करते हैं उसमें आपको आनंद आ रहा है और आप इस साल वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो पिछले साल से बड़ी हैं, तो फिर ये सेम स्ट्रेस, ये सेम हार्ड वर्क, ये स्ट्रेस नहीं है, फिर ये पैशन बन जाता है। मेरे बच्चों को मालूम है, मेरी वाइफ को मालूम है, पिछले 2 महीने से आई वॉज वर्किंग एक्सटेंसिवली फॉर माई न्यू बुक। वन इमोशनल थिंग वॉज देयर, मेरे को ये बुक इधर ही लॉन्च करना है, यू नो, तो आई वॉज लिविंग आउट ऑफ माई लाइब्रेरी। बस मेरी मम्मी को मैं बोलता था, फिर वो स्टाफ के थ्रू खाना भेज देती थी, लेकिन मैं लाइब्रेरी से निकलता नहीं था, राइट, बिकॉज वो एक जोन रहता है आपका, राइट, आप उसी मूड में रहते हैं, राइट, लिखते रहेंगे। उस मूड से कोई मुझे डिस्टर्ब करता है, मुझे गुस्सा भी आ जाता है। माई फैमिली इज ऑल्सो एडजस्टेड वेरी मच विद मी, बिकॉज दे नो ये टाइम पे इसको नहीं छेड़ना चाहिए, इसका अलग समय चल रहा है, यूसी वही खत्म हो जाने दो, किताब विताब लॉन्च होने, ये ठीक हो जाएगा, वापस वही हो जाएगा जैसा शुरू से था, राइट, लाइक दैट। अगर आप नॉर्मली चलते चले जा रहे हैं, आपका खून कभी उबलता नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए आपकी रातों की नींद उड़ती हो, देन जी क्यों रहे हो? आई डोंट नो, सीरियसली यार, राइट, दिस इज माई फीलिंग फॉर यू, माई फीलिंग अबाउट लाइफ। सेटिस्फैक्शन इज ए वायरस, और मेरे हिसाब से ये सेटिस्फैक्शन बोल के जो बीमारी है ना, ये बहाना है कामचोर लोग देते हैं, बस नथिंग एल्स है, मैं सेटिस्फाइड हूं, राइट। तू कैसे सेटिस्फाइड हो सकता है? तेरे देश में एक आम आदमी की पर कैपिटा इनकम खराब है, तेरे पास टैलेंट है, इतने पैसे कमा सकता है, थोड़े और कमा लेना यार, और लंगर चलाया कर, लोगों को बड़ा किया कर, उनको एम्पावर किया कर, कुछ तो करो, हाँ या ना? मेरे गुरुजी हैं, पिछले 11 साल से मैं और गौरव उन्हें सुनते हैं, आई मीन आई डोंट नो इफ गौरव इज, गौरव नहीं, मेरे को उन गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया, राइट, और गुरुजी हमें क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जीवन में सवाल ये नहीं है कि आप कहां से यहां आ गए, सवाल ये है आप यहां से कहां जा सकते हैं, राइट, राइट, आप यहां से कहां जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी से बोल ही नहीं सकता हूं कि मैं 10 साल के बाद आपको ये सेम काम करता हुआ मिलूंगा। आप में से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं इस बात से, और यह बात बोलने के लिए दम लगता है, शायद मैं ट्रेनिंग करूं ही ना। आप लोगों को लगेगा तेरा कोई विजन नहीं है क्या? अब नहीं है। क्या पता, मेरा विजन सिर्फ मेरी सोच के अनुसार है। अगर अगले 3 साल में सोच का आकार बड़ा हो गया तो शायद हम कुछ और बड़ा कर रहे होंगे, राइट, क्योंकि जब आप कायनात के साथ मिलकर सुबह से शाम तक काम करते हैं, आपके विजन में कायनात का विजन जुड़ता है, क्रांति होने लग जाती है, चमत्कार होने लगते हैं, मिरेकल्स होने लगते हैं, राइट। स्वामी विवेकानंद ने जितने लोगों को अपने जीवन के दौरान अपना ज्ञान दिया, उससे हजारों गुना ज्यादा लोगों को उनके जाने के बाद ज्ञान मिल गया, राइट। हेलो, आज रामकृष्ण मिशन जिस लेवल पे है, आपके हिसाब से क्या वो स्वामी विवेकानंद का विजन था? पता नहीं मुझे,
लेकिन जितने लोग तो आज उस समय दुनिया में इतने लोग थे ही नहीं, पता नहीं 1949 में, आज उनके जाने के बाद जितने लोगों को ये विजन मिल गया, 39 की उम्र में वो आदमी चला गया। 39 में तो आप हमारे पास लोगों को लेके आते हो, सेट करो सेट करो सेट करो, इसका वाई क्लियर करो, यस और नो। एंड 39 की एज में ही लेफ्ट। मदर टेरेसा ने जो ये मिशनरीज ऑफ चैरिटीज बनाया था, उनका विजन था एक संस्था बनेगी जो कलकत्ता में कुछ लोगों को खाना खिलाएगी जो खाना नहीं खा पाएंगे, लेकिन दुनिया भर के 180 देशों में करीब 40 लाख लोगों को रोज खाना खिलाएगी ये संस्था, ये उनका भी विजन नहीं था। लाइक बट यू नो, दो चीजें अगर आप जीवन को में पकड़ लें, यू विल नेवर स्टॉप इन लाइफ। नंबर वन इज ग्रोथ एंड नंबर टू इज कॉन्ट्रीब्यूशन। नंबर वन इज ग्रोथ एंड नंबर टू इज कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन इज तुम्हारी वजह से किसी के जीवन में क्या पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आया, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। कल हमने क्या किया था, हमने प्रियंका के पापा के लिए 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके दुआ की थी कि हमारे अंकल भागते दौड़ते वापस आ जाए। एंड ऑल ऑफ यू सेड हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने उनके लिए दुआ की है। राइट, अपने लिए हम आप मांगते हैं तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मंदिर में खड़ा हर आदमी है तो भिखारी, राइट ना। मंदिर के बाहर एक भिखारी होता है जो हमसे मांग रहा होता है, हम उससे बड़े भिखारी होते हैं, हम अंदर मांग रहे होते हैं लेकिन हैं तो भिखारी, राइट ना। इट्स वेरी सिंपल। और जिंदगी में भिखारी भिखारी रहेगा, देने वाला बड़ा रहता है हमेशा, है राइट ना। तो जिंदगी में जब मौका मिले, तुम 5 रुपए दो 10 रुपए दो, अपना समय दो, डजंट मैटर माई फ्रेंड, बट देने का भाव रहे। कुछ नहीं है तो मुस्कुराहट दे दो ना, कुछ नहीं है तो दुआ दे दो ना उसके लिए, राइट। जस्ट गिव देम ए ब्लेसिंग ना, कि तुम जो मांगने आए हो तुम्हारा काम बन जाए। पर कसम से बोल रहा हूं, मंदिर में बाहर 5 रुपए के लिए खड़ा है, तुम बोलते हो 5 करोड़ लगा दो, 5 करोड़ दिला दे, 50 करोड़ दिलवा दे, 500 करोड़ दिला दे, हो तो भिखारी। एक लाइन अंदर एक लाइन बाहर, एक लाइन अंदर एक लाइन बाहर, राइट, लाइक दैट, नथिंग एल्स इज देयर। भगवान ने तुम्हें, लेकिन मैं आपको दिल से बोलता हूं, आप 3000 लोग अगर चाहो तो 10-20-50 रुपया रोज किसी को डोनेट कर सकते हो, हाँ या ना। क्या फर्क पड़ेगा 10-20-50-100 रुपए देने में, या फिर एक कॉम्प्लीमेंट देने में, या फिर किसी को कुछ दुआ देने में, राइट। आपका कुछ नहीं गया, आज यहां से ना एक नियम बना के जाओ, ये मेरे सेशन का हिस्सा नहीं है, ये पीपीटी का पार्ट नहीं है, मैं पता नहीं क्यों आपको बता रहा हूं, राइट, आई मीन ऑनेस्टली आई डोंट नो। ओके, मेरा रूल बड़ा सिंपल है, प्रिपरेशन जोन मेरे कंट्रोल में, परफॉर्मेंस जोन 80% मैं वो सिखाऊंगा जो मेरा मन है, 20% मैं वो बताऊंगा मेरे माध्यम से, मेरे मुंह से वो निकलेगा जो कायनात तुम्हें सुनाना चाहती है, राइट। इट्स वेरी सिंपल यार, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल। एक किताब बोलता हूँ आपको, आप सब जरूर पढ़िएगा, पहले इंडिया में बहुत मुश्किल से मिला करती थी बट अब आसानी से मिलती है। किताब का नाम है 7 Spiritual Laws of Success। मेरे बैग में अभी भी रूम में पड़ी है, राइट। वो एक फ्लाइट में निपटा लेता हूँ मैं, लाइक इधर से उधर, अगर मैं दिल्ली कोयम्बटूर गया तो खत्म कर लेता हूँ, वापस कोयम्बटूर दिल्ली में फिर पढ़ लेता हूँ। पहले मैं छोटी सी लाया था, गुटका जैसी थी वो, उसमें उसको कंसाइज करके दिया था, आप जरूर पढ़िएगा 7 Spiritual Laws of Success। ये किताब आपको कमाल की चीज क्या बोलती है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख तुम्हारी मेहनत से आ सकता है, लेकिन 1 करोड़ तुम्हारी मेहनत से नहीं आएगा, उसके लिए ऊपर वाले से जुड़ना बहुत जरूरी है। एक सोर्स है जो चमत्कार करता है, उससे जुड़ना बहुत जरूरी है। और आप कब जुड़ते हैं, जब आप देने की भाव रखते हैं तो आप जुड़ते हैं। तो दिल से कहूंगा मेरे दोस्तों आपको, देता कौन है, जिसके पास जरूरत से ज्यादा है। आपको आपका अवचेतन मन डरा के रखता है मालूम, स्केर्सिटी वाले भाव से। जैसे मेरे पास, कौन नहीं देता है दीपक, कौन नहीं देगा, जिसके पास थोड़ा है ना वो नहीं देता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं 10 साल से देख रहा हूं, 10 साल पहले उनकी, उससे आज उनकी स्थिति बहुत ऊपर हो गई, लेकिन फिर भी दे नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये इधर है। तुम में से किसी की गलतफहमी होगी कि पैसा ज्यादा आता है तो सिक्योरिटी आती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास 1000-1000 करोड़ है, आज भी डरते हैं और आज भी सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, राइट। मुझे ऐसे देख के लगता है अगर तेरा कुछ नहीं होगा भाई तो 140 करोड़ का मैं कहां से क्या करवा सकता हूं, राइट। मनी डजंट गिव यू सिक्योरिटी माई फ्रेंड्स, दैट कनेक्शन विद दैट ग्रैटिट्यूड एंड कनेक्शन विद दैट सोर्स जिसने हमें बनाया है, दैट गिव्स यू रियल रियल सिक्योरिटी।